आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। झांसी जनपद में दीनदयाल सभागार में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं यूपी सीएलडीएफ के डायरेक्टर राकेश पाल की अगुवाई में प्रथम नगर आगमन पर भारत सरकार के राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का ऐतिहासिक स्वागत किया गया। सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का स्वागत बेमिसाल किया गया। इस मौके पर पाल बघेल युवा संगठन के संयोजक गिरिराज पाल पहलवान भी मुख्य रूप से मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने मुख्य अतिथि अनुराग शर्मा का स्वागत किया। तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सांसद अनुराग शर्मा एवं जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार का स्वागत पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल की अगुवाई में समाज सेवियों ने किया है। इस मौके पर शासकीय ठेकेदार बिहारी पाल। तो झांसी जनपद के दीनदयाल सभागार में भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के प्रथम नगर आगमन पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल की अगुवाई में ऐतिहासिक स्वागत माननीय राकेश पाल जी की अगुवाई में किया गया है, जहां पर झांसी जनपद से ललितपुर बुंदेलखंड के समस्त विधानसभा क्षेत्र से भारी संख्या में पाल बघेल समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। सी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दीनदयाल सभागार झांसी की। इस मौके पर पाल बघेल धनगर महासभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भानु प्रताप पाल एवं पर्वत पाल समाज सेवी एवं शासकीय ठेकेदार बिहारी पाल द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायिका डॉक्टर रश्मि आर्या का समाज सेविका प्रभा पाल प्रदेश अध्यक्ष पाल महासभा द्वारा उनका स्वागत किया गया। सी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस मौके पर झांसी जनपद के पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर सिंह यादव भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। सी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के साथ झांसी ललितपुर के लोकसभा सांसद अनुराग शर्मा भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर आशाराम पाल भजन गायक द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इसमें वहीं पाल समाज के सम्मान समारोह कार्यक्रम में बल्ली डेयरी ग्रुप द्वारा भी केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस मौके पर गरोठा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जवाहरलाल सिंह राजपूत जी भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। उनके साथ पूर्व विधायक राधेलाल बघेल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम भी मुख्य रूप से मौजूद रहे, जहां पर एमएलसी श्रीमती रमा निरंजन, महापौर बिहारी लाल आर्य जी, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हरगोविंद कुशवाहा जी मुख्य रूप से मौजूद रहे। उनके साथ नरवर पिछोर के जनपद अध्यक्ष गोपाल दत्ता भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। पूर्व विधायक राधेलाल बघेल जी भी मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में शामिल। इस मौके पर पाल कॉलोनी में समाज सेवी मुकेश पाल एवं समाज सेवी राम मिलन पाल की अगुवाई में केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का जानदार स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं झांसी महानगर के जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार मुख्य रूप से मौजूद रहे। आइए सीधे चलते हैं इस कार्यक्रम में, हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वागत भाषण के रूप में कार्यक्रम के संयोजक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष यूपी सीएलडीएफ के डायरेक्टर राकेश पाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। हवाओं से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, जो तूफान से टकराए उसे चट्टान कहते हैं, जो चट्टान से टकराए उसे हैवान कहते हैं, और जो हैवान से टकराए उसे माने प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल कहते हैं। ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने विषम परिस्थितियों में तमाम परिस्थितियों में हमने नजदीकी से देखा कि किस तरह से हमारे प्रवर सोच है कि किस विपरीत परिस्थितियों में विपरीत धारा में अपने आप को कैसे खड़े रखा, और आपके आशीर्वाद से और आप सबके जिस तरह से आप सबकी लड़ाई के लिए जो आपका मान सम्मान और स्वाभिमान रखने के लिए निश्चित रूप से सबको ईश्वर ऐसी ताकत दे और आपको हर मुकाम पर सफलता आपको प्रदान करे, हम सब लोग आपके लिए ऊपर वाले से ऐसी दुआ करते हैं। जिले के लोग, हमारे बुंदेलखंड के लोग हमेशा आपके साथ
आपके आदेशों पर, आपके निर्देशों पर हमेशा चलने का काम किया है। संक्षेप में बताना चाहता हूं कि बुंदेलखंड की जो स्थिति है, बुंदेलखंड में हमारी लगभग यहां तीन जालौन में चार हमारी झांसी में और दो ललितपुर में, हमारे मंडल में नौ विधानसभाएं हैं और उधर हमारी 11 विधानसभाएं, 10 विधानसभाएं, टोटल 19 विधानसभाएं इस बुंदेलखंड में हैं। हमारी हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, वहां पर 10 विधानसभाएं या 9 विधानसभाएं हैं। 19 विधानसभाओं में लगभग मैं अपना यहाँ जनपद की, पहले जनपद से शुरुआत करूं, अगर उस दिशा से शुरू करूं, मैं जालौन बॉर्डर से पहली गरौठा विधानसभा पड़ती है। गरौठा विधानसभा में हमारा लगभग 45 से 46 हजार वोट है। हम फिर इधर बबीला विधानसभा में आते हैं, यहाँ हमारा 29 हजार वोट है। फिर हम मऊरानीपुर विधानसभा जाते हैं, हमारा 27 से 28 हजार वोट है। झांसी विधानसभा चूंकि शहर की विधानसभा है, फिर भी हमारे यहाँ 14 से 15 हजार वोट है। हम अब जाते हैं कानपुर से उधर जालौन की बात करते हैं, तो कालपी में हमारा 55 हजार वोट है, माधवगढ़ में हमारा 40 हजार वोट है, उरई में हमारा 35 हजार वोट है। फिर हम ललितपुर की तरफ जाते हैं, मेहरौनी ललितपुर में लगभग 28 और 30 हजार मेहरौनी में और 28 हजार हमारा ललितपुर में वोट है। फिर हम इधर से जो दूसरा पड़ोसी जिला है हमारा हमीरपुर, हमीरपुर में दो विधानसभाएं हैं, राठ और हमीरपुर। हम राठ में हमारी स्थिति वहां 17 और 18 हजार वोट है, हमीरपुर में हम 24 हजार हमारा वोट है। फिर हम महोबा में दो विधानसभा है, चरखारी और महोबा, महोबा में भी हम वहां 23 हजार वोट है और चरखारी में भी हमारा वहां 25 हजार वोट है। फिर हम जाते हैं बांदा, बांदा की नरेनी, नरेनी विधानसभा में हमारा 21 हजार वोट है और विधानसभा है करवी, उस करवी में हमारा वहां वोट है 29 हजार वोट है और मानिकपुर में हमारा 36 हजार वोट है जो हमारा इलाहाबाद के बॉर्डर से लगा है। तो इस तरह से मानवर पूरे के पूरे बुंदेलखंड में जो स्थिति है हमारी समाज की, ये वोटिंग है। लेकिन आज पूरे विधानसभा में उस समय और भी पूरे बुंदेलखंड में आज जो स्थिति है, ना तो हमारा कोई विधान परिषद का सदस्य है, ना कोई हमारा एमएलए है, ना कोई हमारा राज्यसभा है और ना कोई हमारा पूरे देश में आपकी तरफ आशा भरी नजराओं से पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। मैं तो केवल ये बुंदेलखंड की तस्वीर आपके सामने रखती है और अगर आपके इलाके में घुस जाते हैं तो बुंदेलखंड को भी आप पीछे कर देते हैं। आपके अगर उधर हम पश्चिम के आगरा के मंडल के ले लेते हैं तो वहां तो 60 और 70 हजार से शुरू होती है गिनती। बुंदेलखंड में पिछले काफी लंबे समय से ये लोगों की पीड़ा है इस समाज की कि कहीं ना कहीं हमारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, हमें भागीदारी मिलनी चाहिए। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और आशा भरी नजरों से आपकी तरफ ये पाल बघेल धनगर समाज देख रहा है और साथ में अपनी बात को यहीं खत्म करना चाहूंगा कि तराजू का है पासन निकल जाएगा, तराजू का है पासन निकल जाएगा, तोड़ने वाले का ढंग बदल जाएगा। है मेरे पाल बघेल धनगर समाज के लोगों, कमर कस करके बैठो, सारे समाज का रंग बदल जाएगा। तेरे शब्दों के साथ है हमें विश्वास, है हमें विश्वास हम सफल हो जाएंगे, जुल्म के जाले मिरादे बेवकल हो जाएंगे, रात काले बाल बाका क्या करेगी दीप का भोर हो तो अंधेरे बेदखल हो जाएंगे। आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। कहना चाहता हूँ कि ये समाज का लाल राकेश पाल आपको दे दिया है सांसद।
केशपाल के मान सम्मान की रक्षा आपको करना है, ये पूरा समाज ने आपको समर्थन दिया है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ, जरूर उठाता हूँ भैया, अगर इनकी समाज में कुछ है तो इनकी मदद जरूर पहले कर दे, क्योंकि ये लोग उन लोगों में से हैं जो कभी किसी से झगड़ा करने के लिए नहीं किया। तो ऐसे समाज को मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो मेरे लिए मेहनत करी, आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं दिल से आप सभी का आभारी हूँ। उससे जो दूध का उत्पाद होता है और जो लोग बकरी पालते हैं, इन सब चीजें करते हैं, इन सब चीजों के उत्पाद में हम लोगों को कुछ आपके साथ मिलके काम करना चाहिए, जिससे हम उसमें वैल्यू एडिशन जो कहा जाता है उसको बढ़ा सकें। तो दोनों यूनिवर्सिटीज ने मुझको आश्वासन दिया है कि हम करेंगे, पर अब तो हमको मंत्री मिल गए हैं, अब तो आदरणीय मंत्री जी के पास डेयरी भी है, फिशरीज भी है, जो जो चीजें हमको चाहिए आज भाई साहब के सारी डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है। तो भाई साहब से भी आग्रह करूंगा इस मंच के माध्यम से कि एनडीडीबी के भी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं साहब, और बलेनी से भी ओपी आए हुए हैं, इन लोगों के भाई साहब अगर हम प्रोत्साहन यहाँ पे दें, और देरी की विशेष रूप से झांसी में प्राग हो, बलेनी हो, और अगर अमूल तो यहाँ पे आने की संभावना जो लग रही है, अगर ये तीनों डेयरी अगर आ जाएंगी तो एक इनके कंपटीशन अच्छा हो जाएगा, दूसरा हम लोगों को झांसी में जो लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे दूध का उत्पाद नहीं हो सकता, आज 2.5 लाख से 3 लाख लीटर दूध होता है और इसकी वजह से हम बढ़ा सकते हैं। आप मानिए अगर आज बच्चे दिल्ली में आइसक्रीम खा रहे हैं तो बुंदेलखंड का दूध दिल्ली में जाकर दे, आप सबकी कड़ी में। और जो प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि अगर किसानों की आमदनी दुगनी करनी है, गांव की अर्थव्यवस्था सुधारनी है, तो हम सबको पशुपालन में अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी हम सभी को उसमें आशीर्वाद दें और हम लोग अपने काम में लगे और अपने समाज को हम आगे बढ़ा सकें। आप सबसे एक आग्रह करता चले जाऊंगा, राकेश बाल भाई साहब ने वैसे तो बहुत कुछ पॉलिटिकल कह ही दिया, वो कहते रहेंगे, उनकी डिमांड भी जायज है, उसमें मैं आपका समर्थन करूंगा, पर मुझको आपका समर्थन एक चीज में जरूर चाहिए, वो आखिरी चीज मैं आपसे कह के जा रहा हूं, भैया कुछ भी करिए, 2 रोटी चाहे आप कम खाओ, पर बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी। जब तक हम बुंदेलखंड को शिक्षित नहीं करेंगे, बुंदेलखंड कभी संपन्न नहीं। राकेश जी के उद्बोधन में समाज की पीड़ा थी अपनी कम थी, राकेश जी के उद्बोधन में समाज की पीड़ा थी अपनी कम थी, सबने पाया है बुंदेलखंड के लिए। जब तक हमारे यहाँ सांसद विधायक बनना शुरू भी नहीं हुआ था, तब बुंदेलखंड से 1991 में विधायक बन गया, 1993 में मंत्री बन गए थे और बादवाजी में कैबिनेट बन गए थे, राज्यसभा भी मिली है थोड़े बहुत दिनों के लिए। बहन जी ने अगर सरकार बनाई है तो मंत्री कोई हुआ हुआ या ना हुआ, समाज को स्थान बुंदेलखंड में मिला, तो क्या हो गया आपको? एक जमाने में तुम्हारा यहाँ आपका वी आई आता था, हमारे यहाँ वी आई पी बन गए, हम खुश होते थे माला पहना करते। विचार करिएगा, वो भी ये कह के गए हैं कि सबसे कम पुलिस संबंधी सूचनाएं आपकी आती हैं, वो होते तो मैं बताता बताऊंगा कि आती होंगी तो वादी के रूप में आती होंगी, मुलजिम के रूप में नहीं आती होंगी। वहीं एक बरादरी है एमएलसी साहब जिनके केवल मुलजिमों की ही सिफारिश आती है, वादी की नहीं आती है। विधानसभा से मैं सहमत हूं, कोई फर्जी आंकड़ा नहीं था। अब ये स्वभाव नहीं बदल सकता, ये मूल प्रवृत्ति बन गई है। मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मेंडल्स का नियम है, कर्नाटक जाऊं तो बेचारे कुर्बा,
वहां का एमपी जब बेचारा लगाता है तो बहुत, ये केवल आगरा है जिसमें एसपी सिंह बघेल के नाम के आगे बेचारा नहीं लगाया जाता है। हिमाचल जाऊं बेचारे गत्ती बहुत अच्छे हैं, आंध्रा जाऊं बेचारे कुर्मा बहुत सीधे हैं। जिस जाप वर्ग को गुस्सा नहीं आता वो कभी अपने हक हकूक को प्राप्त कर ही नहीं सकता। एक माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती है तब तक दबाव नहीं बनाता। जैसे बच्चा रोता है सबसे पहला काम होता है झुंझुना पकड़ा देते हैं और बेवकूफ टाइप के बच्चे झुंझुना बजा के चुप हो जाते हैं। उसके बाद बच्चा जब रोता है तब दूध की बोतल दी जाती है और इसके बाद जब बच्चा लगातार रोता है तब उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है कि कहीं इसके पेट में दर्द तो नहीं। तो एक सगी माँ अपने सगे नवजात शिशु के साथ जब प्रेशर मानती है तो विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता बिना प्रेशर के कुछ भी करने वाले और ये हमारी दम है जो हम सार्वजनिक रूप से ऐसे बोल पाए। और हम सच नहीं बोलेंगे तो फिर एसपीसी मॉडल कौन कहेंगे। दुख होता है और आप विश्वास नहीं करोगे मैं देश के सबसे बड़े ऊपर के तीन नेताओं में से मिला तो मैंने कहा कि इस रिजल्ट से हमको थोड़ा सा सबक लेना है, सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। मैं जहां तक जानता हूँ ओबीसी की जातियों को कि जिस दिन सूची आती है तो वो चश्मा निकालते हैं और केवल देखते हैं पाल 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 है ठीक है नहीं तो कुछ कुशवा 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 पटेल 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 देखते हैं या नहीं देखते। बाकी को देखना इसलिए नहीं है कि वो तो टिकट पाई जाते हैं उठाई जाते हैं। हम ढूंढते हैं, हम दोनों जगह ढूंढते हैं, आईएएस के रिजल्ट में भी ढूंढते हैं ढूंढे नहीं मिलता, पीसीएस में भी ढूंढते हैं नहीं मतलब ये सूची में कितने यूपी में कितने स्टेम बने वो पाल है या नहीं। तो सम्मान देते हैं तो उसका लाभ होता है और सम्मान नहीं देते हैं तो नुकसान। हम 5 साल विकास की बात करते हैं और आखिरी के 14 दिन में अपने औकात पर आ जाते हैं जात पर और कहीं कहीं तो गोत्र पे भी आ जाते हैं। साल भर सेमिनार अंत्योदय पे होते हैं। अब देखिए मेरे 7 कार्यकाल हो गए हैं, उसने कार्यकाल पर निकाल दिया मेरा एक फर्श से लेकर 8 तक राज्य को पहुंचाने वाला सूबेदार मल्हार राव मक्कर है जिसने 67 युद्ध जीत करके अपनी डायनेस्टी को कायम किया। तो वहां थी रिस्क ली थी, वो टर्निंग पॉइंट है। आज हम यहाँ क्यों बैठे हैं उस पत्थर की वजह से बैठे हैं। उसने पत्थर ना मारा होता भेड़ करा रहा होता तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते और अहिल्या भी उन पर देखते। मुझे लगता है कि हर ब्लॉक पे मंदिर लगी छुट्टी हुई। आपसे कहा जाता कि पर्व में बढ़ते हुए अरे यार मारा ना जाऊँ कहीं, इससे तो भेड़ ही अच्छी है तो ज्यादा रिस्क नहीं। तो नो रिस्क नो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। कोई रिस्क नहीं लोगे तो कुछ नहीं पाओगे, जितनी बड़ी रिस्क लोगे उतना ज्यादा पाओगे। मैंने कहा ना कि अब मैं एक्शन नहीं रहा हूं, अब मैं अपने आप को गार्जियन भी महसूस कर रहा हूं। इसकी वजह से मैं अपनी लोकसभा के अभी 5ों विधानसभाओं का दौरा नहीं कर पाया हूं और आपके बीच में आया हूं। और बिना जब वो तो फिर तपस्या कर भगवान से कोई अवतारी पुरुष पैदा करवाऊ जो जाके वो पैदा करे। सबसे बड़ी बुराई जो है वो है हमारी सिधाई। पानी का साथ लाते हैं हम लोग, जिनके काटने से कोई फर्क नहीं, जिनके ना काटने से कोई फर्क नहीं। और मैं ऐसा चाहता हूं कि काटना तो थोड़ा फुफकार दो तो 10-5 एमएलए गिर जाएंगे। ऐसा समाज, मैं ऐसे समाज की कल्पना कर रहा हूं। और मैं बताया ना मैं अपने लिए आया था पॉलिटिक्स में, तुम गारंटी आया था, तुम में से एक भी गारंटी के साथ नीचे खड़े होकर कह दो कि अगली बार तुम प्रधान बन जाओगे। वो गारंटी देखो आज उनकी गारंटी कि आप बन जाएंगे।
तो फिर मैं कैसे एमपी बन जाऊंगा? और वहां तो पैसा नहीं था, तो पुलिस में और भी बहुत चीजें हैं, तनख्वाही भी तो बहुत अच्छी थी।